डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए पुनः हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बचे हुए टॉपिक्स का, ठीक ना। तो इसके पिछले वीडियो में आपको हम बता रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट होता है कैसे, ठीक है। ये जितने भी मेथड था ये सभी मेथड का उपयोग इनफर्टाइल कपल के लिए किया जाता है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है बाबू, जो इनफर्टाइल कपल में हम लोग यूज करते हैं, उसमें आता है आपको मींस और भी, ठीक ना। तो उसमें आता है मींस नेक्स्ट टॉपिक्स में IVFET, ठीक ना। तो यहां पे लिखते हैं, हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ IVFET, ठीक ना। तो कहिएगा कि IVFET का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इसका मतलब हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक ना। तब कहिएगा ये IVFET है क्या, ठीक है। तो देखिए, इम्ब्रियो ट्रांसफर के आधार पर, इम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब, इम्ब्रियो तो आप जान रहे हैं, ट्रांसफर का मतलब हुआ किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ठीक ना। तो इम्ब्रियो ट्रांसफर के आधार पर ये जो IVFET होता है ये दो टाइप्स का होता है, ठीक ना। तो यहां पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्ब्रियो ट्रांसफर IVFET इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। इम्ब्रियो ट्रांसफर के आधार पर IVFET जो है इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो तरह का होता है। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है ना, मीन्स सबसे पहला में आता है बाबू, जिसको कहेंगे ZIFT। इसका पूरा नाम होगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो कहिएगा इसमें क्या होगा, तो याद रखिएगा इसमें 8 ब्लास्टोमियर वाले जायगोट या इम्ब्रियो को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगी, ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन होगा, ये फीमेल बॉडी के बाहर कल्चर मीडियम में किया जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट 8 ब्लास्टोमियर में परिवर्तित होगा, तब उस जायगोट या इम्ब्रियो को कहां, है ना, उस इनफर्टाइल फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से वो धीरे धीरे यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है, प्रेगनेंसी की अवस्था उसमें डेवलप होती है, ठीक है। तो देखिए, आप कहिएगा कि 8 ब्लास्टोमियर, तो यहां पर बहुत सारे के दिमाग में आएगा कि आखिर यह 8 ब्लास्टोमियर क्या हुआ। तो पिछला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक्स पढ़ाए थे, जिसका वीडियो अपलोड भी है, उसमें बताए थे बाबू क्लीवेज, और आपको हम ये बताए थे कि मींस फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद उस जायगोट में क्लीवेज होता है। क्लीवेज करने का मतलब होता है माइटोसिस डिवीजन होता है, और उसी माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है। और ये भी आप जानते हैं कि जब माइटोसिस डिवीजन होगा, तो एक बार माइटोसिस होगा तो एक बार में मींस 2 ब्लास्टोमियर बनेगा, दूसरा में 4 बनेगा, तीसरा में 4 × 8 बनेगा, मतलब यहां 3 बार जब जायगोट में क्लीवेज होगा, है ना, तो 8 ब्लास्टोमियर बनेगा,
और जब आठ ब्लास्टोमियर बन जाएगा तब इस ब्लास्टोमियर आठ ब्लास्टोमियर वाले जायगोट या इम्ब्रियो को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसमें दूसरा जो आता है बाब है ना, इसका दूसरा जो टाइप है वह है IUT, जिसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इस इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या होगा तो बस देखिएगा थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसमें आठ ब्लास्टोमी है और इसमें आठ से ज्यादा ब्लास्टोमी है। तो आठ से ज्यादा का मतलब ये मत सोचिएगा कि 10, 12, 14 होगा, जब भी होता है ये डबल होता है। आठ का मतलब, आठ से ज्यादा का मतलब आठ गुना 16 हो, ठीक ना। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, केवल लिखते हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, है ना। अब देखिए इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें आठ ब्लास्टोमियर से अधिक के जायगोट या इम्ब्रियो को कहां तो अब यूट्रस में डायरेक्ट क्या होता है ट्रांसफर किया जाता है। अगर फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर गए तो फाइलोपियन ट्रांसफर, और अगर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा तो यूटेराइन ट्रांसफर कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर ZIFT की बात करेंगे तो उसमें केवल होगा आठ ब्लास्टोमियर और इसको हम लोग फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। आठ से ज्यादा अगर ब्लास्टोमियर होता है तो इसको डायरेक्ट कहां तो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। बस ये दोनों पॉइंट याद रखना, एक में आठ और एक में आठ से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा जो टाइप आता है वह है GIFT, जिसका पूरा नाम होता है बाबू गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए ये विधि जो होता है उस फीमेल के लिए लागू होता है जिसमें प्रोलॉन्ग्ड स्टरिलिटी होती है, काफी लंबे समय से स्टरिलिटी की क्षमता डेवलप है, ठीक ना। या आप कह सकते हैं जिस फीमेल में फाइलोपियन ट्यूब की संख्या एक होता है, ऐसे आप जानते हैं कि किसी भी फीमेल में नॉर्मल कंडीशन में फाइलोपियन ट्यूब दो होता है, लेकिन इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कभी कभी कुछ ऐसे भी फीमेल डेवलप होते हैं जिसमें दो के स्थान पर एक ही फैलोपियन ट्यूब डेवलप हो पाता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बताएं क्या कि गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये विधि जो होता है उस फीमेल के लिए लागू होता है जिसमें प्रोलॉन्ग्ड स्टरिलिटी होती है या जिसमें केवल एक फैलोपियन ट्यूब होता है या जिसके फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिया को ओवम को कैप्चर करने की क्षमता नहीं होती है। बहुत सारा में ओवुलेशन होगा, ओवरी से ओवा निकलेगा, तो आपको तो हम प्रोसेस बताए थे ना कि जब ओवरी से ओवम निकलता है तो उस ओवम को फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिया जो होता है वो फिम्ब्रिया उस ओवम को क्या करता है मींस कैच करके उसको रिसीव करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाता है। लेकिन कभी कभी किसी फीमेल में ओवुलेशन होगा लेकिन वो फिम्ब्रिया में वो क्षमता नहीं होता है कि उस ओवम को कैप्चर करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाए, मतलब या आप कह सकते हैं कि जिसके फिम्ब्रिया में ओवम कैप्चर करने की क्षमता नहीं होती है या जिसके सर्वाइकल सेक्रीशन में स्पर्म एंटीबॉडी मौजूद रहता है। ये सब कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन है, जिस फीमेल में ऐसा होगा उस फीमेल में इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कहिएगा इस मेथड में होगा क्या, तो इसमें क्या होता है इसमें ओवम और स्पर्म को, है ना, ओवम और स्पर्म को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में लैपेरोस्कोप की सहायता से ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। मतलब जिस फीमेल में इस तरह का क्राइटेरिया है उस फीमेल में क्या होगा कि ओवम और स्पर्म को मींस एक डिवाइस के द्वारा जिसका नाम है लैपेरोस्कोप, उसी की सहायता से उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट क्या करेंगे वहां पर पहुंचा देंगे, और पहुंचाने के बाद जब पहुंच जाएगा तो वहीं पर ओवम और स्पर्म दूसरे से फर्टिलाइज करता है
फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्लीवेज होना प्रारंभ होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें हम क्या लिखे, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांस, है ना, मतलब इसमें गैमिट को फैलोपियन ट्यूब के भीतर क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा जो मेथड आता है बाबू, उसका नाम है ICSI, जिसका पूरा नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब क्या हो, ICSI में क्या होता है कि इसमें कल्चर मीडियम, ठीक है, इस विधि में कल्चर मीडियम में स्पर्म को सीधे ओवम के भीतर प्रवेश कराया जाता है, ठीक ना, और जब ओवम के भीतर प्रवेश कराएंगे तब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, जायगोट बनेगा, और तब जब कल्चर मीडियम में जायगोट बन जाता है तब उस जायगोट को या तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में और नहीं तो उसके यूट्रस में क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, है ना। यहां पे लिखे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म को ओवम के भीतर क्या करना, प्रवेश कराना, कहां, तब फीमेल बॉडी के बाहर कल्चर मीडियम में ऐसा किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बन जाता है तब उस जायगोट को उस इनफर्टाइल फीमेल के या तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं तो यूट्रस में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका लास्ट मेथड है ना, जिसका नाम है AI, इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, हिंदी में इसको कहते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, ठीक ना। तो देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या और किसके लिए लागू होता है, तो देखिए यह विधि उस कपल के लिए लागू होता है जिसके मेल पार्टनर है, हम बात क्या कर रहे हैं, यह विधि उस कपल के लिए लागू होता है जिसके मेल पार्टनर में इंसेमिनेशन की क्रिया नहीं होती, वीर्य सेचन नहीं होता है, या जो ओलिगोस्पर्मिया से सफर करता है ना। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या है बाबू, ये आपको पिछला वीडियो में हम इनफर्टिलिटी में बता चुके हैं, ठीक ना, तो आपको दोनों कंडीशन बताए कि यह विधि उस कपल के लिए लागू होता है जिसके मेल पार्टनर में इनसेमिनेशन की क्रिया नहीं होती है, या जो ओलिगोस्पर्मिया से सफर करता है। कहिएगा इसमें करेंगे क्या, तो इस विधि में मेल पार्टनर के सीमेन को कलेक्ट या कंसंट्रेट कर, है ना, कलेक्ट मतलब जमा कर या फिर कंसंट्रेट कर, कंसंट्रेट कब करेंगे, है ना, तो जब उस वह मेल पार्टनर ओलिगोस्पर्मिया से सफर करेगा, है ना, अगर ओलिगोस्पर्मिया से सफर करेगा तो कंसंट्रेट करने के बाद, है ना, मीन सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म की संख्या को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ाते हैं बाबू, तो वही बताए कि इस विधि में मेल पार्टनर के सीमेन को कलेक्ट या कंसंट्रेट कर, है ना, फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फीमेल के वेजाइनल ऑरिफिस में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब यहां कंडीशन है कि यदि कलेक्ट किए हुए सीमेन को, यदि कलेक्ट किए हुए सीमेन को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाए, है ना, इफ कलेक्टेड सीमेन इज ट्रांसफर इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। मतलब यदि कलेक्ट किए हुए सीमेन को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है तब इस विधि को हम लोग इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्या कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IUI, इसका पूरा नाम होगा बाबू क्या, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
आज आपका ये चैप्टर भी क्या हुआ बाबू, खत्म हो गया, ठीक ना। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ समाप्त हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर कहिए या अगला यूनिट कहिए, पहला यूनिट का चार चैप्टर था, चारों कंप्लीट कर दिए हैं। अब दूसरा यूनिट में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दूसरा यूनिट में आपका है, ठीक ना। पहले जेनेटिक्स पढ़ाएंगे उसके बाद इवोल्यूशन बताएंगे। जेनेटिक्स में टोटल दो चैप्टर पढ़ना है, इवोल्यूशन का एक चैप्टर है। यहां से टोटल आपको इंटर में 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसको शुरू करेंगे, लेकिन अब इसके बाद वाले चैप्टर से हम डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक ना। उस ऑनलाइन क्लास में आपका ये वीडियो प्राइवेट होगा। अब यूट्यूब के ऊपर इस चैप्टर से वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम दे दिए हैं, है ना। उस टाइम के अनुसार उस समय आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। आपको हमेशा नोट्स के बारे में चिंता थी कि नोट्स कैसे लिखेंगे, तो अगले इसका नोट्स, यहाँ तक का नोट्स तो हम पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन अगले चैप्टर जेनेटिक्स से है ना जो भी नोट्स होगा ऑनलाइन ही लिखाते जाएंगे, ठीक ना। इसलिए आपका क्लास अगर छूटता है, और जेनेटिक्स में ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक दिन क्लास छूटेगा तो अगला दो दिन तक कुछ समझ में नहीं आएगा बाबू। इसलिए प्रयास कीजिएगा ऑनलाइन क्लास आपका मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए बाकी का इसके बाद का पढ़ाई डायरेक्ट क्या करेंगे, यूट्यूब पर ऑनलाइन करने वाले हैं। वीडियो अपलोडिंग का जो झंझट है आज के बाद समाप्त, ठीक ना। अब इसके बाद कोई वीडियो अपलोड यूट्यूब पर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मंडे से, मतलब आज संडे है, कल से आपका ऑनलाइन क्लास शुरू होगा अगला चैप्टर का, ठीक है।